अच्छा लगा उसमें, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो, और अब आधी रात को घर में घुसाई है। मैं क्या कोई जोक सुना रही हूं जो तुम बहुत मुस्कुरा रही हो? आप इसे दो थप्पड़ लगा के चुप क्यों नहीं करवा देती? सॉरी बेटा, मैंने सुना नहीं। ओ मामा तो खुद सो रही हैं। मामा आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम नाश्ता करो। क्या हुआ, अब यूं ही मेरी शक्ल देखती रहोगी या नाश्ता भी करोगी? ओके ओके करती हूँ। सुनो और क्या हुआ, कब बताओगी मुझे? हाँ अब बताओ ना, तुम दोनों के बीच कल क्या बात हुई? फिजा तुमने कहा था कि तुम मेरा न्यू ड्रेस जो मैंने अभी बनाया वो देखना चाहती हो। हाँ मामा कहाँ रखा था? बेटा वो मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया है। चलो दिखाऊं तुम्हें। दोनों बहाना बनाकर गई हैं बातें करने। आजा आजा, इतनी क्यूरियोसिटी क्यों फैला रही हो? जल्दी करो, जल्दी बताओ। ठीक है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा, जल्दी से बता देती हूँ। हमने, तुमने, बोलो, अयाज ने किस किया? रियली? हाँ ना, सच में। अच्छा तो क्या प्लान है आज का बेटा? बस कुछ खास नहीं है बाबा, वैसे भी वीकेंड है तो घर पे रहेंगे। मुझे अनम से बात करने जाना है। ओ, कोई सीरियस मैटर डिस्कस करना है? हाँ। क्या बात हो रही है? बाबा और अनम आंटी शादी कर रहे हैं। क्या, कितनी खुशी की बात है। रियली कसम से मैं तो हैरान ही रह गई। चले अच्छा हुआ आपने वक्त पे फैसला कर लिया, वरना लेट हो जाते। खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर ऐसा हो गया तो मैं और अयाज क्या हो जाएंगे? भाई बन जाएंगे। वो तो बचपन से ही थे तुम लोग। हाँ लेकिन अब सब बदल गया है। नहीं बेटा कुछ भी नहीं बदला। आई होप तुम मसाइल पैदा नहीं करोगे। नहीं बाबा मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। रियली मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस दिन हमने आपकी नाइट खराब कर दी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यकीन करें मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, बहुत खुश। मैं आपके साथ हूँ बाबा। थैंक्स। तो फिर आप शादी के प्लान्स बनाएं? बस अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट कर लेंगे। हाय फैशन वर्ल्ड की फेमस शादियाँ, हमारी तरफ के सारे इंतजाम मैं संभाल लूंगी। कसम से अंकल आप बहुत लकी हैं। ओके मैं जाके चाय लेके आती हूँ, बस अभी लाई। जीनिया तुम भी ना, कोई ऐसा भी करता है क्या? कसम से पहली बार सुना है कि कोई ऐसे मौके पे बेहोश हो गया। इसमें फनी कुछ नहीं है फिजा। सीरियसली मुझे बहुत फनी लग रहा है। हाँ हो सकता है। इट मींस अब तुम लोग प्रॉपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहे हो। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हो सकता है। जीनिया तुम चाहती क्या हो? तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? मैं तो जल्दी से एमरे से शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगी। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और अगर शादी नहीं हुई? कम से कम हमारी एंगेजमेंट तो हो जाएगी ना। इसलिए जीने अब तुम अपने बारे में सोचो। मेरी मानो तो तुम्हें अयाज जैसा लड़का दोबारा कभी नहीं मिलेगा। यार ठीक है, मुझे भी अयाज अच्छा लगने लगा, बहुत अकोमोडेटिव है वो, लेकिन पता नहीं पहले कुछ शोर होना चाहती हूँ मैं। तुम किस बात के बारे में शोर होना चाहती हो? यानी कि अयाज क्या सोचता होगा मेरे लिए? कल रात जो हुआ उसके बाद तुम्हें ही सोचना होगा। मेरी बात सुनोगी या नहीं?
ओके ओके मैं चुप। आई मीन ठीक है, अयाज मुझे अच्छा लगता है, मेरे ख्वाबों में आता है, बल्कि अब सोचती हूँ उसे तो फीलिंग्स अजीब होती हैं। अयाज बुला रहा है ऐसा लगता है मुझे दिल से आवाज आ रही है, लेकिन दूसरी आवाज आती है कि रुक जाओ। किस पे यकीन करूं फिजा? अब फैसला करने का एक ही तरीका है। क्या है वो? वेट करो दोनों। डोंट बी स्टूपिड फिजा, अब हम बच्चे तो नहीं है, बहुत आगे आ गए हम दोनों। ज्यादा वेट नहीं। हाँ मगर तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, यानी जिस नजर से पहले नहीं देखा उसको उस नजर से देखो, कुछ टाइम स्पेंड करो साथ, समझ रही हो ना? पता नहीं अयाज क्या कहेगा। देखो उसके सब्र का इम्तिहान लो और देखो कि उसे असल में तुमसे मोहब्बत है या नहीं। समझो इस तरह तुम उससे स्वीट रेवेंज भी ले रही हो। याद नहीं है तुम्हें वो कैफे भी लेके गया था और तुम्हें डिनर पे भी लेके गया था? अब तुम उसे डिनर पे लेके जाओ और उसे एहसास दिलाओ कि तुम कितनी खूबसूरत लग सकती हो। कैसा लगा आइडिया? जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं बताती हूँ। उफ कितनी देर हो गई, जल्दी जल्दी टेबल साफ करो ना। ओके मैं जरा ये हटा दूँ, अब ये शीट्स भी धुलवानी पड़ेंगी मुझे। जरा बैठो तो। नहीं भाई बहुत काम है मुझे, अभी तो पूरा घर देखना है। कैसा लग रहा हूँ? क्यों बाबा आज क्या नई शर्ट पहनी है आपने? बाबा एक मिनट रुकिए, मैं ठीक कर देती हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा था। उतार रही हो? नहीं नहीं बस आपको बता रही हूँ कि आजकल फैशन क्या है। आखिर आप अनम मैम से शादी कर रहे हैं, स्टाइल तो बनता है ना फिर। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप, अब ठीक है हाँ? ठीक है चलता हूँ फिर, रात में डिनर पर मिलते हैं। सल्दा आज रात खाने का अच्छा से इंतजाम करना, ठीक है? जी अच्छा। चलो फिर खुदाफिज बेटा। सुनो जावियार, क्या ख्याल है आज रात का खाना मैं बनाऊं तो? कैसे? तुम्हें किचन का काम आता है? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है, ये टेबल भी मैंने ही सजाया था। अच्छा तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ नहीं आता? अच्छा मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरा ख्याल है मुझे किचन देखना चाहिए, पकाने के लिए देखती हूँ क्या है। ओके। और हाँ तुमने मेरी हेल्प करनी है, भाग नहीं जाना। ओके हाँ ठीक है। हाँ डार्लिंग, ये सब क्या है जान? अरे वाह भाई, अगर ऐसे ही रोजाना मुझे जगाओगी ना तो बता रहा हूँ बिगाड़ दोगी मुझे। डोंट वरी डार्लिंग, अब रोज ऐसा ही होगा। हेलो, अभी तक सो रहे हो तुम? लेजी कहीं के, चलो उठो जल्दी। हाँ ठीक है बस 10 मिनट। यानी तुम एक्सरसाइज के मूड में नहीं हो आज, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ करनी है। शदीद नींद आ रही है कसम से, तुम्हारी वजह से कल रात भी लेट सोया हूँ। कोई लेट वेट नहीं सोए थे हम, मैं तो कब से नाश्ता भी कर चुकी हूँ। यार जीनिया मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो जब जागो तो मेरे पास आ जाना, तुम एक्सरसाइज करेंगे। क्या कर रही हो, जल्दी जल्दी बोलो ना। फिजा के साथ हो? नहीं वो इतनी सुबह क्यों उठेगी। जीनिया इतनी सुबह सुबह मुझे जगाने का ख्याल कैसे आया? अयाज। हाँ बोलो। मेरे साथ डेट पे चलो। क्या क्या क्या? मेरा मतलब वो नहीं था, बस यूं ही मुंह से निकल गया वो
I mean, आज रात डिनर पे चलोगे कपल्स की तरह? लेकिन डेट का क्या? तुम्हें क्या मसला है यार, पागल हो गए हो क्या? कहा ना ये बात नहीं है, मुंह से निकल गया। बस खाने का पूछ रही हूँ, हम कभी साथ डिनर पे नहीं गए ना। क्या कहा उसने? ओके चलो फिर, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, आज शाम तुम्हारे लिए। चीखो तो मत। क्या हुआ? बस कुछ नहीं, मैं एक बात सोच रही थी, शाम में क्यों मिल रहे हैं हम शाम से पहले मिलते हैं, शाम में मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी है मैडम? जान जाओगे तुम। चलो अब तुम भी उठो और मैं भी तैयार होती हूँ। चलो ठीक है, फिर अभी आता हूँ मैं। ओके बाय, सी यू। फिजा को भी हेलो कह देना। ठीक है कह दूंगी, बाय बाय। अयाज ने हेलो कहा तुम्हें? पोल खुल गया तुम्हारा, तुमने तो उससे कहा था कि मैं नहीं हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ ना फिजा। कोई बात नहीं, मैं कुछ कह दूंगी। हाँ कहोगी तो तुम बहुत कुछ। ये पहनने से तुम्हारी शर्ट खराब नहीं होगी, ठीक है? ठीक है। दिखाओ तो, क्यूट लग रहे हो। ओह एक चीज तो रह ही गई। क्या रह गया? रुको ये। अच्छा तो ये रही तुम्हारी जगह, अब तुम जाओ और जरा अंडे फेंट कर दो मुझे, ठीक है? हाँ अच्छा सुनो, ये करने के बाद तुम प्याज काटोगे, ठीक है? चलो लेकिन पहले ये काम करो। नहीं शैमा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ये अंडे प्याज वाला काम नहीं होगा मुझसे। तुम्हें सबसे इजी काम दिया है मैंने। मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ और कर देता हूँ ना। तुम्हें कुछ मार्केट से मंगवाना है तो सब्जियाँ, केक वगैरह कुछ भी। अच्छा ठीक है, फिर उतारो इसे और जाओ मार्केट, मैं देखती हूँ कुछ मिसिंग है तो तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉल कर देना। चलो ठीक है तुम जाओ। नहीं देखा है तुमने? नहीं तो? ओके मैं चलता हूँ, कॉल कर देना। हुक्म कीजिए मैडम, कहाँ चले? गाड़ी में नहीं, हम पैदल जाएंगे। इसमें केक है ना? हाँ। तुमने खाने के लायक तो बनाया है ना? अच्छा एक मिनट वेट करो। चलें? देखो तो अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच। और कितने लोग आने हैं? अरे भाई ज्यादा नहीं, बस यही कोई 5 या 6 लोग होंगे, या शायद इससे भी कम लोग आए। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो डार्लिंग? उन्हें बुलाना जरूरी था।
क्यों? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, मतलब हम अकेले कुछ देर साथ गुजार लेते तो। अरे बाबा, वो लोग कुछ देर हमारे साथ रहेंगे, फिर बस मैं और तुम, हमारे पास काफी वक्त होगा, तुम परेशान मत हो। मैडम, आप लोग कुछ लेना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, हम कुछ फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। अरे ये शामिर और सैबल कहाँ हैं? आज दोनों नहीं आए, कोई जरूरी काम होगा। हम यहाँ क्यों आए हैं जीनिया? अभी पता चल जाएगा। आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह, मेरे लिए केक लेकर आए हो, क्या जरूरत थी इसकी? आपने कहा जो था आंटी। बदला, एक्सीलेंट, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हार नहीं मानूंगा। Are you sure? Sure. चलो अंदर आ जाओ। अरे मैं तो वहाँ कल गई थी, वो तो मुझे वहाँ मिलने के लिए उसके बाद में क्या यार किसी से आना है? अरे बड़ी बात है। हेलो जी। हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। आओ बच्चों। वेलकम। वेलकम। ज़ीनिया, अब ये मत कहना कि इनके साथ डांस भी करना होगा मुझे। मैं तुम्हारे टैक्सी स्टैंड की तरफ से ही आ रही थी, तुम यही मिल गए। अच्छा, फिर तो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज हो गया। मिलने आना था तो कॉल कर देती, और अगर नहीं मिलता तो मैं तुम्हारा वेट करती या फिर तुम्हारे घर आ जाती। वैसे सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि मुझसे कोई मिलने आने वाला है। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे थे तुम? कहीं नहीं, बस मेडिकल स्टोर जा रहा था। डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयाँ दी हैं दादी को, वो ही लेने जा रहा हूँ। क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? जरूर चल सकती हो। ओहो, मोहतरमा, सामान ठीक से चेक कर लेना, कहीं दोबारा ना जाना पड़े। कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? थैंक यू स्वीटी, बस हो गया ये, अब बस बेक करना है। जबरदस्त, कहो तो ये सामान फ्रिज में रख दूं? हाँ रख दो, इनकी जरूरत थोड़ी देर बाद है मुझे। ओके। ये देखें आंटी, इसमें आपको घोड़ा भागता हुआ नजर आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे सच में? देखें देखें। अरे ये घोड़ा भाग रहा है। हाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा घोड़ा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें, बेचारी ज़ीनिया के पास इतना दिमाग ही नहीं है। ज़ीनिया जी, ये बहुत अकल की बात है। सही कहा बेटा तुमने, बिल्कुल सच बात है, ये तो अकल वालों की बातें हैं। और कुछ क्या बताओ बेटा? आप बहुत परेशान रहे, दुख छुपा के रखती हैं अपने, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं। इजी ये सब इसको कैसे? ए अकल मां, कितना मायूस हो गई थी नरेमान। हाय क्या बताऊं, बहुत मसाइल है मेरे। ये कौन है? ये अहमद कौन है? कौन है अहमद? अहमद मेरा दामाद है, वही तो तंग करता है मेरी बेटी को, आने भी नहीं देता मेरे पास। हाँ हाँ, नजर आ गया मुझे सब कुछ। देखा, ये सब जानता है। सब बता दिया है, अच्छा बच्चा है ये, पहली बार मिला है। सही कहा भाई, सही कहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिकर नहीं करें। हाँ ठीक है, अब इसे वॉश करते हैं। ठीक है, अभी साफ करती हूँ। अच्छा तो अब किसकी बारी है? बेटा आप जल्दी से मुझे बता दो। इतनी जल्दी क्या है, कम ऑन, हम पहले थोड़ी सी तफरी करेंगे। लेडीज जवानी का ही आनंद ले रहे हैं। अरे तो गुड आइडिया थे ये। शर्ट के कॉलर पे इतने रिंकल्स क्यों हैं? अच्छा, प्रेस तो करवाई थी, ठीक नहीं है क्या? पता नहीं किससे प्रेस करवाए तुमने। हेलो अनम। अरे देखो आ गए, कैसे हो तुम लोग? हाँ अनम, तुमने कितना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है। तुमसे ज्यादा नहीं, पहले मिल तो लो, आओ इधर।
खुश आमदीद डियर। कैसी हो? मुझे तो ऐसा लगा तुम लोग आओगे ही नहीं। अरे भाई छोटा सा मजाक था, तुमने बुलाया कैसे नहीं आता। चलो आओ बैठो बैठो। खुश आमदीद, कैसी हो तुम? खुश आमदीद। चलो बैठो बैठो, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा। अरे अनम, तुमने इनका इंट्रो नहीं करवाया हमसे। देखो मैं भूल ही गई। बुलंद ये मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों ये बुलंद हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? सच में बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपका स्टाइल भी डिफरेंट है। ये मुझे रखना भी एक फन है सच में, वरना आजकल किस में हिम्मत है ये पुराने फैशन करने की। क्या बोल रहे हो? नहीं मुझे नहीं देखना। बस उससे नहीं होगा। अरे आप कर देना। खामखा लड़ाई की उससे, अब दवा तो लेनी ही थी ना दादी के लिए। यार तुमने देखा नहीं कि वो कितनी महंगी बता रहा था, अहमक इंसान। हाँ लेकिन हम कहीं और से ले लेते। कहीं और से मिलती ही नहीं, सिर्फ यहीं से मिलती है। महंगाई कुछ ज्यादा नहीं हो गई यार? क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी? नहीं थैंक यू, आई होप मुझे कल सैलरी मिल जाएगी। मेरे पास कैश होता ना इस वक्त तो ये झगड़ा कभी ना होता, यकीन करो। अब तुम्हें क्या हुआ है और तुमने क्यों मुंह लटका लिया है यार?
इन मसाइल की टेंशन ना लो तुम, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मेरा यकीन करो। तुम्हारे चेहरे पे संजीत की बिल्कुल सूट नहीं करती। मुस्कुराती रहा करो हमेशा। वैसे मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। तुमने तो नहीं देखा ना? मौका नहीं मिला मगर मैंने मैगजीन में पढ़ा था, तुम लोग तो गए थे ना? हाँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी, उन्होंने कलेक्शन भी पहने हमारे। सच कहा, काफी मजा आया था। अरे अंकल, आपने बताया नहीं आप क्या करते हैं। डार्लिंग, ये लोग तुम्हारी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं कुछ नहीं करता, रिटायर्ड हो चुका हूँ। हाँ, ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? बस अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली थी मैंने, काफी छोटी एज में काम शुरू किया तो रिटायर भी जल्दी हो गया। तो फिर सारा दिन क्या करते हैं आप? बोर ही होते होंगे। घर पे ही होता हूँ, मेरा मतलब है कि इनका मतलब है कि घर पे ही कुछ ना कुछ करते हैं, यानी बिजनेस डीलिंग्स वगैरह, और कुछ नहीं। अरे तुम बताओ, इतने दिनों से क्यों नहीं आई मेरे फैशन हाउस, कहाँ बिजी थी? सच कहा यार, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। इस दफा के फैशन डिजाइन्स को तुम लोग जरूर देखना, बहुत पसंद आएंगे तुम्हें, इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अभी पढ़ाई खत्म हुई है इसकी, देखो ये मेरी बेटी, अभी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है इसकी, इसका नाम आहू है। ओ वाह, वैसे खूबसूरत है। खुद भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, ये मेरी बेटी है। अरे ये तो लैला जैसी है। क्या तुम जानते हो लैला को? नहीं, बस यूं ही एक बार देखा था। अयाज चलो, तुम्हें बाजार जाना था ना? हाँ, तो अभी बंद थोड़ी हो रहा है। अभी तो जाने का वक्त नहीं है। रुको रुको, चलो बैठ जाओ तुम दोनों भी। अरे अभी तो बंद है, बेटा जाने का, पता नहीं कहाँ से जाने की बात है ये। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो और चाय पियेंगे। तुम्हें एक जरूरी काम भी तो था आज। लेकिन मुझे याद नहीं है। चलो तो सही, आ जाएगा याद। अरे रुक जाओ। अरे ऐसे नहीं, रुक ये फिर आ जाएगा यहाँ, अभी छोड़े इसे। क्या पसंद है मेरे बच्चे को? अब वक्त जाएंगे, बड़ी बातें बताने तो अपने बस मिल गए, सबने हुआ कर लिए, खुश रहे हमेशा। हमारे साथ और बैठ जाता तो कितना अच्छा लगता ना। अयाज बेटा, फिर जरूर आना। आंटी ये भी कोई कहने की बात है, किस किस की पिक्चर्स है? लाइन लाइन, जबरदस्त। ओके नाइस, मैं सब की किस्मत का हाल देख के आप लोगों को जल्द वापस कर दूंगा। हाँ हाँ, ये बता देगा। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके टाटा, ठीक है, बाय बाय। बस कर दी, चलो चलो, बाय बाय। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ वक्त ले जाए वहाँ। ओ मेरी जान, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम? कुछ जख्म तो ऐसे होते हैं जो मरहम से भी नहीं भरते। लेकिन ये तो छोटा सा जख्म है। मैं इसकी बात नहीं कर रही। उदास क्यों हो रही हो? ये सब कुछ कितना हसीन है, बहुत ही खूबसूरत, बस इसीलिए डर सी गई हूँ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा